54G के सीरीज के 54K सीरीज के और एक दो सेक्शंस आपको बता देता हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली सुन लो ठीक है ना। 54G करके जो सेक्शन है वो है ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू रूरल एरिया। तो अगर आप अर्बन एरिया से 54G में, मतलब आप यहाँ पे जी मतलब मैंने कैसे याद रखा पता है, गांव, अगर आप अर्बन एरिया से गांव चले जाते हो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, बताओ क्या गवर्नमेंट का फायदा है। गवर्नमेंट का ये फायदा होगा इसमें कि अर्बन एरियाज में जो ओवर पॉपुलेशन हो रहा है वो कंट्रोल किया जाएगा और गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बता रहा है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर, चार पांच आइटम है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर, ये सारे के सारे असेट आप मुंबई मतलब जो जो सिटी एरिया होते हैं वहां के सेल कर दो और आप इनको शिफ्ट करो गांव में, तो आपको हम क्या कर देंगे, एग्जम्पशन दे देंगे 54G में। तो इतना ही आपको याद रखना है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। आगे चलता हूँ क्या? बिल नहीं नहीं भाई आपने भी हो गया अभी नहीं, बढ़िया 54G बढ़िया है उसी सीरीज का है, सुनो बढ़िया 54G है उसी सीरीज का है। 54GA में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे 54G में गांव में शिफ्ट किया था, वैसे यहाँ पे अर्बन से शिफ्ट किया जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मैंने आपको इम्पोर्टेंस बता दिया था जब मैं आपको सेक्शन 10AA पढ़ा रहा था, याद आ रहा है आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन का रिलेवेंस, सेक्शन 10AA जो यूनिट होते हैं उसके अंदर उनको 15 साल का टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। बिल्कुल हाँ, तो जब आप पकड़ लो मुंबई के नॉर्मल एरिया से आप अपना अंडरटेकिंग बेचते हो और किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में शिफ्ट करते हो, तो लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर ये आप यहाँ से वहां शिफ्ट करोगे उसके ऊपर यहाँ पे जीए में एग्जम्पशन है। बात याद रखने वाली कैसी है पता है, 54B, 54D, 54G और 54GA, ये जो चार सेक्शन है हमारे, हाँ गए ऊपर गए, ये हमारे जो चार सेक्शन है ये शॉर्ट टर्म तो मैंने कैपिटल देखा। असेट ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं। थर्टी लोग हो गए, ओके कुछ लोग अभी भी मिसिंग है, चलो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो 54G और GA में आपको याद क्या रखना है, बस कि आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सिटी से या तो गांव ट्रांसफर कर रहे हो तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। 54GB एक अच्छा सेक्शन है, जीबी ठीक है ना, गीगाबाइट। 54GB में क्या होता है ना, गवर्नमेंट पहली बार बोलता है आपके पास घर है, असेसी बोलता है किसी किसी असेसी के पास घर नहीं लेकिन जमीन होता है जिसमें वो घर बनाने वाला होता है, प्लॉट ऑफ लैंड ठीक है ना। क्या आपके पास जमीन है, हाँ है। क्या आपके पास घर है, इसको बेच दो सेल करो, घर लेके क्या कर लोगे, जमीन लेके क्या कर लोगे ठीक है ना। तो गवर्नमेंट पहली बार यहां तक सेक्शन 54GB तक, इसके पहले के सारे सेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट हमें हमेशा इनकरेज करता है कि सर प्लीज एक घर तो ले लो, एक घर तो ले लो, एक घर तो ले लो, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस में गवर्नमेंट ने किया हुआ है। 54GB इज द फर्स्ट सेक्शन जहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है घर है बेच दो, टेंशन नहीं है, अरे जिंदगी रहेगी तो और घर क्या बंगलो बना लोगे, लेकिन पहले बिजनेस इस्टेब्लिश करो, क्योंकि इंडिया को आज के तारीख में बिजनेसेस की जरूरत है, एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है, यंगस्टर्स की जरूरत है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत है, आपकी जरूरत है। तो आप पहले अपने पास तो बोलेंगे सर हमारे पास तो घर है लेकिन कैपिटल नहीं है, गवर्नमेंट बोलता है बेच दे, बेचने के बाद कैपिटल गेन होगा वो सर वो आपको लगाना है स्टार्टअप में। स्टार्टअप वर्ड तो आपने सुना होगा, सुना है क्या स्टार्टअप, क्या तुम लोगों ने स्टार्टअप वर्ड सुना है? हाँ सुना है। तो उनको इनकरेज करना चाहिए कि डिस्करेज करना चाहिए? एनकरेज बिल्कुल बिल्कुल इनकरेज करना चाहिए। देखो क्या बोलता है, एग्जम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, घर बेच दो, इफ नेट सेल कंसिडरेशन, मतलब यहां पे बात किसकी हो रही है समझ रहा है, यहां पे भी बात किसकी हो रही है पता है, कैपिटल गेन रीइन्वेस्ट नहीं करना है, नेट कंसिडरेशन जो आ रहा है घर बेचने के बाद नेट कंसिडरेशन उसको इन्वेस्ट करना है। किसमें इन्वेस्ट करना है सर, इक्विटी शेयर्स में। तो शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं कि जाके आप मार्केट में पैसे लगा दो, नहीं, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करो, मतलब तुम ओनर बनो उस कंपनी के,
कौन से कंपनी के सर एलिजिबल स्टार्टअप के, एलिजिबल स्टार्टअप के आप ओनर बनो और एलिजिबल स्टार्टअप कंपनी फॉर्म में होनी चाहिए टू बी यूज फॉर परचेस ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, और वो कंपनी वो पैसे किसमें लगाएगी, प्लांट एंड मशीनरी में। तो सिक्वेंस समझो क्या होने वाला है, असीसी के पास घर है, घर बेच दो, उसका जो क्या आएगा नेट कंसिडरेशन वो लगा दो इक्विटी शेयर में। कौन से इक्विटी शेयर में सर, स्टार्टअप में, एलिजिबल स्टार्टअप में, ठीक है ना। और भी लोग ऐड हो गए, असीसी के पास घर था, हमने घर बेच दिया, उसमें से हमारे पास नेट कंसिडरेशन आया, नेट कंसिडरेशन से हमने इक्विटी शेयर परचेज किए, कौन से इक्विटी शेयर, एलिजिबल स्टार्टअप के। अब पैसा किसके पास पहुंच गया, एलिजिबल स्टार्टअप के पास। एलिजिबल स्टार्टअप क्या करेगा, उसकी प्लांट एंड मशीनरी लेगा। और पीजीबीपी अगर आपने मेरा सुना होगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन या 32AD सुना होगा, तो मुझे आपको एक पूछना है, प्लांट एंड मशीनरी नई लेनी चाहिए कि पुरानी लेनी चाहिए, ओल्ड या न्यू? न्यू, न्यू लेनी चाहिए, ठीक है ना। बिल्डिंग लेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, फर्नीचर लेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल लेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, एयरक्राफ्ट वेसल लेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी लेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये सारी ऐसे बात हुई है। यहाँ पे ड्यूअल कंडीशन है, एक तो असीसी के ऊपर कंडीशन है कि असीसी को जो है ये जो पैसे है वो एलिजिबल स्टार्टअप में लगाने हैं, और एलिजिबल स्टार्टअप के ऊपर कंडीशन है कि ये जो पैसे हो प्लांट एंड मशीनरी में लगाने हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। सर एलिजिबल स्टार्टअप क्या होता है, देखो एलिजिबल स्टार्टअप क्या होता है, एलिजिबल स्टार्टअप वो होता है जो एलिजिबल बिजनेस में आता है। सर एलिजिबल बिजनेस मतलब क्या, ये 1/4/2016 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में इसका इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए। लकीली एलाइड गुरुकुल लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड हियर, ठीक है ना। सो टेक्निकली वी आर एलिजिबल टू बी कॉल्ड एज स्टार्टअप। सेकेंडली टोटल टर्नओवर जो है वो लेस देन 25 करोड़ होना चाहिए इन एनी प्रीवियस ईयर इन विच डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IAC इज क्लेम, मतलब 5 साल के लिए। तो उसमें एक पीरियड है वो बाद में देख लेंगे, ठीक है ना, 5 साल नहीं सॉरी 3 साल के लिए है, वो एनी 3 इयर्स के लिए वो बाद में देख लेंगे। 80IAC की कंडीशन है, मतलब 25 करोड़ का आपका टर्नओवर क्रॉस नहीं होना चाहिए। अमाउंट आपको याद रखना है, 25 करोड़ का टर्नओवर, मतलब अगर आपने आपको मतलब ये रिलायंस जियो के लिए नहीं है जिनका टर्नओवर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में, आपके मेरे जैसे छोटे एसएससी के लिए है। और बोलता है IMBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैं अपने आपको गाली नहीं दे रहा, IMBC, ठीक है ना, IMBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब एक अपनी मिनिस्ट्री है, इंटर मिनिस्ट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप स्टार्टअप हो, ऐसे यहाँ पे कंडीशंस लिखे गए हैं, ठीक है ना। ये जो बेनिफिट दिया गया है वो खाली इंडिविजुअल HUF को ही दिया गया, क्योंकि हम लोगों को इनकरेज किया जा रहा है, ठीक है ना। और जो इंडिविजुअल HUF अगर मेरी कंपनी है तो बोला है मिनिमम 25% आपको इसमें होल्ड करना पड़ेगा, मिनिमम 25%। ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले यहाँ पे मोर देन 50 था, अब गवर्नमेंट ने उसको अमेंड करके मोर देन 25 किया हुआ है, क्योंकि मोर देन 50 मतलब अगर मैं ही 50% का पार्टनर रहूंगा तो मैं नए ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर पाऊंगा मेरी कंपनी में, और कम लोग मतलब कम टैलेंट मतलब कम मेहनत मतलब कम ग्रोथ। तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं ठीक है, अभी आप 25% अपने पास रखो, बाकी आप डाइल्यूट कर दो, अच्छे अच्छे लोगों को अपनी कंपनी में इन्वॉल्व करो। वेरी गुड, आगे जा रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये देखो एलिजिबल बिजनेस मतलब क्या होता है, तो आप ना वही घिसा पट्टा बिजनेस नहीं कर सकते, चाइनीज की गाड़ी चलाऊंगा, सैलून चलाऊंगा, बटाटा कांदा बेचूंगा, ठीक है ना, वड़ा पाव की गाड़ी चलाऊंगा, ऐसे करोगे तो नहीं चलेगा। आपका जो बिजनेस, आप यंगस्टर्स हो, नई माइंड हो, नया देश हो, ठीक है ना, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा इनोवेशन का, डेवलपमेंट का, इंप्रूवमेंट का ऑफ एनी प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विस। तो ऐसे नहीं कि सर्विस इंडस्ट्री में नहीं लग रहा, सर्विस इंडस्ट्री में भी है, प्रोडक्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस मतलब प्रोसेसिंग, और सर्विस मतलब सर्विस इंडस्ट्री। लेकिन वो कैसा होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, और एग्जिस्टिंग है तो उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, और वो बिजनेस स्केलेबल बिजनेस होना चाहिए। स्केलेबल मतलब उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अपना अपना नहीं करना होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना होता है और वेल्थ क्रिएशन। या तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करो या तो वेल्थ क्रिएशन करो, इस दोनों में देश का फायदा है, ठीक है ना। ऐसे उन्होंने कुछ कुछ कंडीशन लिखे हुए हैं, बाकी कंडीशन आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप एक बार गो थ्रू कर लो। न्यू प्लांट एंड मशीनरी का डेफिनेशन पढ़ना बहुत ही जरूरी है, आपको एक बार रीड आउट करना है अपने मॉड्यूल में से कंडीशंस वगैरह। पर्पस मैंने बता दिया न्यू प्लांट एंड मशीनरी का, अगर आपने पीजीबीपी का चैप्टर देखा हुआ है तो ये भी क्लियर हो जाएगा। ये देखो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे डिडक्शन दिया जाता है, जैसे हमने 54F में निकाला था वैसे यहाँ पे भी निकलता है। तो 54F का डिडक्शन का लेने का तरीका और 54GB का डिडक्शन लेने का तरीका सेम है।
ये इनफैक्ट ऐसे दो ही सेक्शन है पूरे इनकम टैक्स में जहाँ पे नेट कंसिडरेशन को रीइन्वेस्ट किया जाता है, जहाँ पे क्या किया जाता है, नेट कंसिडरेशन को रीइन्वेस्ट किया जाता है, बाकी सारे एग्जम्पशन की सीरीज में कैपिटल गेन को रीइन्वेस्ट किया जाता है। पहले ये सेक्शन 31 मार्च 2020 पे मरने वाला था, लेकिन उसको फिर से रिलाइव मतलब क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा लाइफ दिया गया है। फिर से उसको रिवाइव किया गया है, वन मोर ईयर के लिए एक्स्ट्रा लाइफ देके एक्सटेंड किया गया है, ठीक है ना। वो देखो कहीं पे 5 साल है कहीं पे 3 साल है, वो देख लेंगे। 54 वो ATIAC में लिखा गया है कि कितने पीरियड तक वो 25 करोड़ क्रॉस नहीं होना चाहिए, जाने दो, ये क्वेश्चन है, बाद में देख लेना। और इसका कितना पीरियड है, टाइम लिमिट कितने दिन में इनकॉर्पोरेट करने का? इनकॉर्पोरेट करना है उसी फाइनेंशियल ईयर में जिस साल आपने असेट परचेस किया, वो सारे आपको कंडीशंस में देखने मिलेंगे, मल्टीपल कंडीशंस। ये दिख रहा है कंडीशंस, ओके। ये देखो नेट कंसीडरेशन टू बी यूज्ड बाय बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 139(1) के पहले आपका वहां पे उस कंपनी में पैसे लग जाने चाहिए और वो कंपनी उसी साल में इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए विद इन वन ईयर। उसने कंपनी ने नहीं प्लांट एंड मशीनरी भी लेनी चाहिए, ऐसे अलग अलग इसमें टाइम लिमिट है। तो एक बार गो थ्रू कर लो, आप लोगों को ओवरऑल समझ में आएगा, जब समझ में आएगा तो ये वाला पढ़ लेना, फाइनल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी तो सिलेबस से ही निकाल दिया इंटरमीडिएट की ये क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा इंडस्ट्री बेस है, तो आप लोग देख लोगे आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर हमारे मॉड्यूल में यहाँ पे ना हर एक चीज का समरी बना के दिया है। हाँ आई गॉट इट, वो नेट ना बहुत स्लो चल रहा है अभी, पता नहीं वॉइस ब्रेकिंग है। आई गॉट इट। रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, अभी तो चल रहा है। अच्छा हाँ, लेकिन खाता हूँ तो बोल नहीं पा रहा हूँ। बात ले रहे हैं। अभी आ रहा है क्या आवाज, साउंड अभी क्लियर है क्या? ओके अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो आपका फुल अटेंशन यहां पे होना चाहिए, ठीक है ना। 2016-17 की मैं बात कर रहा हूं, और मैं तो बात तो बहुत पहले की करता हूं, चलो एकदम बहुत पहले की, एकदम हिस्ट्री पढ़ा देता हूं आप लोगों को। अभी पकड़ लो हिस्ट्री का लेक्चर चालू हो गया है, ये बैकग्राउंड आपको समझ में आएगा तो शायद सेक्शन समझने के लिए ज्यादा ईजी जाएगा, इसलिए इसे बताया जा रहा है, बाकी इसका कोई पर्पज नहीं बैकग्राउंड का। हमारे देश में ना, हमारे देश में कानून के टैक्स लगाने के 3 तरीके हैं, अक्रूअल रूल, सोर्स रूल एंड रेसिडेंट रूल, ठीक है ना। अब मैं ज्यादा जो बात कर रहा हूँ अक्रूअल रूल की बात कर रहा हूँ, सेक्शन 9 की बात कर रहा हूँ। सेक्शन 9 याद है आप लोगों को, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया वगैरह की बात कर रहा हूँ, मतलब अक्रूअल की बात कर रहा हूँ, सोर्स इंडिया में होना चाहिए। तो मुझे आप बताओ, अगर इंडिया में शेयर मार्केट है, ये इंडिया का शेयर मार्केट है, ठीक है ना, और आप इस शेयर मार्केट से पैसे कमा रहे हो, क्या ये टैक्सेबल होगा? आप रेसिडेंट हो और आप हमारे शेयर मार्केट से पैसे कमा रहे हो, बोलो कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ, टैक्सेबल होगा? होगा, वेरी गुड। अच्छा आप बाहर हो, आप बाहर हो, आप यहाँ पे ना यूएसए में हो, कहाँ पे हो? यूएसए में, और यूएसए से इंडिया में आपने इन्वेस्ट किया हुआ और पैसे कमा रहे हो, टैक्सेबल है क्या ये? टैक्स लगेगा यहाँ पे? होगा ना, क्योंकि आप नॉन रेसिडेंट हो, लेकिन सोर्स कहाँ पे है? इंडिया में, तो सोर्स रूल के हिसाब से टैक्स लगेगा। ओके, आप अभी कनाडा में हो,
कनाडा में हो, कनाडा से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या टैक्स लगेगा? कनाडा से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो इंडियन शेयर मार्केट में, क्या टैक्स लगेगा? लगेगा। ओके, दुबई में हो, दुबई से इंडिया में करोगे तभी भी टैक्स लगेगा, ठीक है ना? तो मुझे बताना क्या आप लोगों को, इंडिया से इंडिया में इन्वेस्ट करोगे तो टैक्स लगेगा, इंडिया से, प्लीज समझो जरा, इंडिया में, यूएसए से इंडिया में इन्वेस्ट करोगे तभी भी टैक्स लगेगा, कनाडा से इंडिया में इन्वेस्ट करोगे तभी भी टैक्स लगेगा, दुबई से इंडिया में इन्वेस्ट करोगे तभी भी टैक्स लगेगा, क्योंकि सोर्स इंडिया में है। लेकिन इंडिया मॉरिशियस का कुछ ट्रीटी है, इंडिया मॉरिशियस, मॉरिशियस तो आपने सुना होगा टैक्स हेवन है, ठीक है ना, ऐसी कंट्री जहां पे टैक्स बहुत कम होता है। और इंडिया का उसके यहाँ पे ट्रीटी ऐसा था कि मॉरिशियस से अगर कोई इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो इंडिया मॉरिशियस टैक्स ट्रीटी बोलता है इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा इंडिया में। ओके, मॉरिशियस से अगर इंडिया में इन्वेस्ट करोगे तो टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा हमारा ट्रीटी है। क्या तुम्हारे मन में टैक्स की चोरी आ रही है? बोलो, अगर तुम सच में सीएमए बन सकते हो और इंटरनेशनल लेवल पे टैक्स चोरी कर सकते हो, क्या तो तुम्हारे मन में टैक्स की चोरी आनी चाहिए अभी तक? यस, मॉरिशस से सर परचेस कर। क्या क्या क्या, अच्छे से बताओ कि कैसे टैक्स बचाया जाए। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बोलो जल्दी। भैया यूएसए से मॉरिशियस में जाओगे, कनाडा से मॉरिशियस में जाओगे, दुबई से मॉरिशियस में जाओगे, मॉरिशियस में छोटा सा ऑफिस खोलोगे, और इंडिया में डायरेक्ट पैसे लगाने से अच्छा है मॉरिशियस से इंडिया में आप पैसे लगाओगे। तो ये सारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस थे, म्यूचुअल फंड्स थे, वो मॉरिशियस में अपना एक छोटा सा ऑफिस ओपन करके मॉरिशियस रूट से इंडिया में आ रहे थे, टैक्स हेवन के रूट से इंडिया में आ रहे थे। नॉट ओनली दिस, कुछ बड़े इंडियंस, कुछ बड़े बड़े इंडियंस, आप समझते हो, टाटाज, बिरलाज, अंबानीज, बच्चन्स, ठीक है ना, ये सारे लोग, ये लोग भी मॉरिशियस जा रहे थे और ये लोग मॉरिशियस से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे। हद हो गई थी यार, ठीक है ना, इंडिया की, इंडिया में इन्वेस्ट करोगे तो टैक्स, बाकी किसी फॉरेन कंट्री में, फॉरेन कंट्री से इंडिया में इन्वेस्ट करोगे तो टैक्स, तो मॉरिशियस से इंडिया में इन्वेस्ट करोगे तो टैक्स नहीं। तो फॉरेन वाले तो लोग मजे ले रहे थे इंडिया मॉरिशियस ट्रीटी का, कुछ इंडियन बड़े बड़े हाउसेस है उन्होंने भी लेना चालू किया, तो गवर्नमेंट फ्रस्ट्रेट हो गया। इसके पहले के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर थे वो मॉरिशियस में जाके बोलते थे वो ट्रीटी कैंसिल कर दो ना प्लीज, वो ट्रीटी कैंसिल करोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये टैक्स का इवेजन मॉरिशियस के रूट से बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे बताओ, अगर आप मॉरिशियस के फाइनेंस मिनिस्टर हो तो क्या आप इसको इस ट्रीटी को कैंसिल करने के लिए रेडी होते? इंडिया मॉरिशियस जो टैक्स ट्रीटी है, जो एग्जम्पशन देती है, क्या आप इसको कैंसिल करने के लिए रेडी होते मॉरिशियस की साइड से? सोचो। नो नो, क्यों नहीं? क्योंकि पता है मॉरिशियस में इतना ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या मॉरिशियस में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा था, या जो मॉरिशियस की कंट्री को जो टैक्स मिल रहा था, वो इसने नहीं मिल रहा था कि मॉरिशियस में अपॉर्चुनिटीज है, वो इसलिए यहाँ पे इतने सारे फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे थे क्योंकि मॉरिशियस रूट से अगर इंडिया में आओगे तो टैक्स नहीं लगता। तो मॉरिशियस का फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है सर अगर हमें ट्रीटी कैंसिल कर देंगे तो हमारी इकोनॉमी थोड़ी कोलैप्स हो जाएगी, तो हमें ट्रीटी कैंसिल नहीं करेंगे। और फिर हमारे पास एक फाइनेंस मिनिस्टर आए, पी चिदम्बरम, ठीक है ना। अब पी चिदम्बरम ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर है जो थोड़े बोल्ड थे, ठीक है ना, कोई भी डिसीजन लेने से पहले ज्यादा सोचते नहीं थे। इन्होंने बोला देखो भैया, ये जो है, ये जो लोग टैक्स इवेजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में कैपिटल गेन टैक्स है, एक काम करो ना, इंडिया के शेयर मार्केट पे का कैपिटल गेन फुल्ली एग्जेम्प्ट करो अंडर सेक्शन 1038 में। इंडिया में अगर किसी ने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया, वो शेयर मार्केट की बात कर रहा हूं, मतलब लिस्टेड सिक्योरिटी, क्या आप मुझे बता सकते हो लिस्टेड सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब देती है, कितने पीरियड में देती है?
12 months. ठीक है ना, तो 12 मंथ का क्राइटेरिया शेयर मार्केट में 12 मंथ का क्राइटेरिया लगता है। तो 12 महीने के बाद अगर कोई गेन कमाता है तो उसको एक काम करो, फुल्ली एग्जम्प्ट करो। क्या करो? फुल्ली एग्जम्प्ट करो। तो क्योंकि अभी इंडिया ने डायरेक्टली इंडिया ने सेक्शन 1038 लॉन्च करके शेयर मार्केट के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को फुल्ली एग्जम्प्ट किया। अब आपको मॉरिशस में जाने की जरूरत नहीं ना, अब इंडिया से इंडिया में इन्वेस्ट करोगे तो एग्जम्प्ट, कनाडा से, यूएसए से, दुबई से इंडिया में इन्वेस्ट करोगे तो एग्जम्प्ट, और मॉरिशस से भी इंडिया में इन्वेस्ट करोगे तभी भी एग्जम्प्ट। तो एग्जम्प्शन तो सबको दिया गया, क्योंकि वैसे भी तो लोग टैक्सेबल रखे भी तो टैक्स नहीं भर रहे थे, तो वो फ्रस्ट्रेट होके उसने बोला एग्जम्प्ट ही कर दो। लेकिन पी चिदंबरम सर जो ऐसे उनकी जो ग्लोबल पर्सनैलिटी है वो इस तरीके की है कि इनको कोई अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं मानता। ठीक है ना, अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर इसलिए नहीं मानते क्योंकि इन्होंने टैक्स में बहुत हार्श अमेंडमेंट लाए हुए है, एंड दिस इज वन ऑफ द हार्श अमेंडमेंट। तो लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ था। वो नहीं कि हिंदी मूवीज में ऐसा होता है, एक या सीरियल में ऐसा होता है, कोई तो शॉकिंग न्यूज आता है तो ऐसे नहीं कैमरा चार साइड से आता है, व्हाट व्हाट व्हाट, वो नहीं कैसे चार बार पॉज करके दिखाते व्हाट व्हाट, ऐसा दिखता है आपको पता है क्या क्या क्या, ऐसे मल्टीपल साइड से कैमरा आता है। तो वैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स का हो गया, वो लोग शॉक थे, चिदंबरम और एग्जम्पशन, एग्जम्पशन और चिदंबरम, क्या बात कर रहे हो, इंडिया टैक्स नहीं लेगा, तो ऐसे शॉकिंग न्यूज था। तो उसने बोला हाँ नहीं लेंगे, टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन छोटे छोटे कंडीशन है जो आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। सबसे पहला कंडीशन ये एग्जम्पशन जो दिया गया है वो इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट के लिए दिया गया, मतलब सबके लिए नहीं दिया गया। तो उन्होंने बोला ठीक है, इक्विटी शेयर्स में फॉरेन वाले लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में करते हैं। सेकंड उसने बोला ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होना चाहिए, सबने बोला ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब 12 महीने से ज्यादा ना, पीओए शुड बी मोर देन 12 मंथ, हम तो इंडिया में कभी कभी 40-40 साल, 12-12 साल, 15-15 साल इन्वेस्ट करके बैठे हैं। तीसरा उसने बोला एकदम छोटी सी कंडीशन, क्योंकि आप रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ट्रेडिंग अगर करोगे तो ट्रेडिंग करने का एक टैक्स हम भरेंगे, उसको उन्होंने बोल दिया एसटीटी। सुना आप लोगों ने एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भरना पड़ेगा, जो एकदम छोटू सा होता है, ज्यादा नहीं होता है, 0.01 0.02 ऐसे होता है, 0.02 ऐसे एकदम छोटू सा टैक्स होता है। करंट एसटीटी देखो ना जरा कितना है, गूगल करो, मेरा था ना इधर, एसटीटी कितना है देखो अभी, ये तुमको समझ रहा है, इसने दो तीन छोटे छोटे कंडीशन लगा दिए, एसटीटी भरने बोल दिया एकदम छोटू सा, तुमको समझ रहा है इन अंकल ने क्या किया बिफोर 0.01% 0.02% ऐसा अलग अलग आता है, ठीक है ना, 0.01 आता है, 0.025 आता है, ऐसे अलग अलग रेट होते, मैं बता रहा ना एकदम छोटे छोटे रेट होते। तो इक्विटी का हाँ, तो ये 1038 में है, बिफोर एंड आफ्टर, देखो बात क्या करने हैं हम लोग, बिफोर एंड आफ्टर। अब गेम देखो, चिदंबरम अंकल का गेम देखो, गेम देखोगे ना तो तालियां बजाओगे, ठीक है ना, क्या चुना लगाया उसने ग्लोबल इन्वेस्टर को। उसने बोला देखो बिफोर जो था ना, बिफोर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था वो टैक्सेबल था, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ, सर वॉइस इज ब्रेकिंग, कभी कभी दो दो मिनट का पॉज लेना पड़ता है, सिस्टम जो है ना मुझे आराम दे रहा है, बोलता है कि दादा मत बोलो एक ही बार में, रुक रुक के बोलो। हाँ, फास्ट बोलते हैं इसलिए। देखो मैं बता रहा था पॉइंट, लॉन्ग टर्म क्या पहले वो टैक्स हो रहा था एट द रेट ऑफ 20% अंडर सेक्शन 112, ठीक है ना, इस रेट पे टैक्स हो गया। ये इन्होंने क्या कर दिया, बोला फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1038, बोला पूरा एग्जेम्प्ट, ठीक है ना। लेकिन पहले समझो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप 1000 रुपए का ट्रेडिंग करोगे तो नहीं तो 20 रुपए का कैपिटल गेन, नहीं
एक काम करता हूँ, मैं स्टॉप करके फिर से रिस्टार्ट करूँ कि क्या करूँ? बोलो, आप बोलो, आप जैसे बोलोगे कि शाम को करते हैं, ये खत्म कर दो ना। नहीं, ये शाम को करो, नहीं नहीं ये टाइम लेगा, इट विल टेक टाइम, बड़ा सेक्शन है। शाम को लो, शाम को लो, शाम को लो, 4:30 बजे लो, 4:30। ओके, 4:30 वी विल स्टार्ट, शाम को 4:30 करते हैं। चलो बाय बाय। अच्छा।